सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार से आ रही बड़ी खबर की। तो बार बार सुप्रीम फटकार लगने के बाद भी बिहार शेल्टर होम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहां का प्रशासनिक रवैया बेहद ही उदासीन और लापरवाही भरा देखने को मिल रहा है। जी हां, सुधार गृह के बिगड़े हालात एक बार फिर से देखने को मिले हैं। पटना से सटे मोकामा के शेल्टर होम की इस बार एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहां शेल्टर होम में करीब 7 लड़कियां फरार हो गई हैं। ये शेल्टर होम नाजरथ अस्पताल संचालित करता है। फरार होने वाली 7 लड़कियों में से 5 लड़कियां मुजफ्फरपुर कांड की पीड़िताएं हैं। 7 लड़कियों के एक साथ फरार होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वही आपको बता दें कि मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो वो भी सकते में रह गई। बताया ये जा रहा है कि लड़कियां ग्रिल काट कर फरार हुई हैं। लड़कियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि सभी लड़कियां सुबह 3:30 बजे से फरार हैं। फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है, बच कर रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड आपको उसी शेल्टर होम की दिखा रहा है जहां पर 7 लड़कियां ग्रिल काट कर फरार हो गई। ये लड़कियां कहां है, कहां फिलहाल ठहरी हुई है, इनका कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस को भी इसकी कोई भनक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि 5 लड़कियां वो हैं जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में पीड़ित रह चुकी हैं। किन परिस्थितियों में ये फरार हुई हैं, शेल्टर होम इन्होंने छोड़ा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जैसे ही ये घटना सामने आई, ये खबर लगी पुलिस को, तो तुरंत प्रशासन और पुलिस हरकत में आया। आनंद में सब तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि सीबीआई जांच इस वक्त चल रही है पूरे मामले की, या यूं है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की। और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई है। सुनील जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, तस्वीरों में हम देख रहे हैं हड़कंप सा मच गया है पुलिस महकमे में, तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं। कुछ पता चल पाया अभी तक क्या हुआ? देखिए, अभी तक किसी प्रकार की खोजबीन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। बाढ़ की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लिपि सिंह, बाढ़ के थाना अध्यक्ष राकेश रंजन इत्यादि जितने भी अगल बगल के थाने के जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं उसके खोजबीन के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है कि आखिर लड़कियां गई तो कहां गई और लड़कियां को भगाया गया या फिर लड़कियां खुद ग्रीन कार्ड करके बाहर निकली है, इसकी भी अभी तक कोई पुष्टि करने को तैयार नहीं है। आपकी बात हो पाई है संचालक से शेल्टर होम के, उनका क्या कहना है, कब लड़कियां फरार हुई हैं, कुछ डिटेल्स? मेरी बात क्या, पुलिस का कहना है कि उन्हें सेंटर होम तक फटकने तक नहीं दिया जाता है और वो अगर वहाँ की रात में सुरक्षा करना चाहते हैं, वहाँ रात्रि गश्ती बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी सेंटर होम के लोग अभी तक उनके साथ कोई संपर्क नहीं बना रहे हैं और उसके लिए वो लगातार चिंतित थे मोकामा थाना की पुलिस कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लेकिन अभी तक उनमें कोई किसी को टच करने की बात नहीं थी और वो लड़कियों का हवाला दे करके वहां तक फटकने नहीं दिया जाता था। जी, लड़कियां किस उम्र की होंगी, इस बारे में कुछ डिटेल मिल पाई है? देखिए, अब से कुछ महीना पहले ही जब मुजफ्फरपुर का जो मामला प्रकाश में आया था उसके बाद जो बिहार में भूचाल मचा था और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई थी, उसके बाद यहाँ कुछ लड़कियों को 7 लड़कियां 8 लड़कियों को यहाँ शिफ्ट कराया गया था। उस समय जो सेंटर होम में लड़कियां इन सुनील मैम लेता हूँ जानकारी, दरअसल कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बाढ़ के इस शेल्टर होम से 7 लड़कियां लापता हो गए हैं, यूं कहें कि फरार हो गई हैं लोहे की ग्रिल काट कर, और पुलिस का यह कहना है कि वहां पर उनको जांच नहीं करने दी जा रही, कोई सहयोग नहीं कर रहा है संचालक। देखिए, शेल्टर होम के मामले में पूरी तरह से राज्य सरकार संदेह के घेरे में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बार बार फटकार लगाया जा चुका है और जब सर्वोच्च न्यायालय का डंडा चलता है तो सरकार दिखावे के लिए कोई कार्रवाई करती है, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी इस मामले को लेकर के पूरी तरह से मुजफ्फरपुर से ही जब ये घटना शुरू हुई थी उस समय से ही पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को उठाया था, इस मुद्दे को लेकर के, और उस सरकार जिस तरह से देखा जा रहा था कि शुरू से ये प्रयास किया जा रहा था कि इस पूरे मामले की लिपापोती हो, तो हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि अभी जो सामने मोकामा का ये घटना आया है इस घटना को लेकर के जब खुद पुलिस कह रही है कि सहयोग नहीं किया जा रहा है जांच में तो ये तो सरकार के पर संदेह है।
बिल्कुल सरकार आखिर संदेह है, सवाल है, ऐसी कई मसले हैं जिनके कोई जवाब नहीं है। मृत्युंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं जो इस मसले पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आशुतोष जरा प्रतिक्रिया लीजिए आप आरजेडी नेता से। जरूर जरूर रश्मि, और सबसे बड़ी बात है कि शेल्टर होम का मामला जो था वो बजट सत्र में भी लगातार उठता रहा है, आरजेडी की तरफ से मामले को उठाया जाता रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है हमारे साथ। सर, नई जानकारी जो मिल रही है उसमें मोकामा शेल्टर होम से 7 बच्चियां भाग निकली हैं और उसमें से 5 बच्चियां जो हैं वो बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर की थी। देखिए, अगर ये सूचना सही है तो यही कहा जा सकता है अंधा नगरी चौपट राजा। सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार सचेत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह होता है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इसको लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपने ठीक ही कहा, विधानसभा सत्र के दौरान हम लोगों ने स्ट्रांगली इस मामले को उठाया, फिर भी सरकार सचेत नहीं हुई। हम लोगों की बात को अगर नजरअंदाज कर भी देते। थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं लौटता हूं आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा एमएलसी हैं कांग्रेस के और संजय टाइगर नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से ले लेता हूं मैं। संजय टाइगर साहब, ये आप कहेंगे कि बड़ी शर्मनाक घटना है, निंदा की जानी चाहिए, पाताल से आरोपियों को ढूंढ कर लाया जाएगा, इसके अलावा क्या जवाब देंगे आप? संजय टाइगर जी, देखिए जो भी घटना के लिए जिम्मेवार होगा, जिनकी लापरवाही और कर्तव्यहीनता सामने आएगी, पाताल से निकाल के लाएंगे जी, कार्रवाई होगी, दंडित होगी। और देखिए, जहां तक मामले का सवाल है जिसका सिद्दीकी साहब जिक्र कर रहे थे, खुद राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच की अनुशंसा की थी। सर, फिलहाल हमें बोलने से कोई परहेज नहीं है कि आपका ये बयान बेहद ही शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार फटकार लगा रहा है, फिर भी आप लोगों को रत्ती भर परवाह नहीं है? मासूम बच्चियों का सवाल है सर। भाषा पर संयम बरते, इस तरह के भाषा का प्रयोग ठीक सर? भाषा बिल्कुल गलत नहीं है, आपका रवैया गलत हो सकता है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के भी है जो हमारे शब्द फिलहाल स्टूडियो से निकल रहे हैं। तो राज्य सरकार अगर मामले की लीपापोती करना चाहती तो सीबीआई से जांच के लिए क्यों अनुशंसा करती? संजय टाइगर, संजय टाइगर, ये जो बाढ़ का मामला सामने आया है ना सर, ये सरकार ने किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है सर। ये डायलॉग पुराने हो गए हैं, कुछ नया डायलॉग लाइए। सुनिए एक बात मेरी, एक मिनट, अरे बात तो सुनिए ना सर, सवाल सुनिए सर, आप अपनी बात रखिएगा। बाढ़ के मामले में जो 7 लड़कियां फरार हुई हैं ग्रिल काटकर, इनमें 5 लड़कियां मुजफ्फरपुर की हैं, आपकी पुलिस ये कह रही है कि हमें वहां पर एनजीओ वाले घुसने नहीं दे रहे, जांच नहीं करने दे रहे, क्या पुलिस इतनी लाचार हो गई है? क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं? क्या पुलिस के ऊपर कहीं से ऊपर से प्रेशर है? उनको बख्शा नहीं जाएगा। अरे सर, मेरे सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिए। आपकी पुलिस कह रही है कि वहां पर जहां बाढ़ में ये बच्चियां गायब हुई हैं, ये भागी हैं, फरार हुई हैं, यहां पर संचालक पुलिस से सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब तक पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई है, बात नहीं कर पाई है, पूछताछ नहीं कर पाई है, इतने हाथ पैर क्यों बंधे हैं आपकी पुलिस के? जो भी घटना के लिए दोषी है, जिम्मेवार है सर, आपकी पुलिस लाचार क्यों है? आपकी पुलिस लाचार क्यों है? कोई कानून से ऊपर नहीं है ये। अरे कानून काम करे तो तब ना, ठीक है आप नहीं जवाब दे रहे हैं तो प्रेमचंद मिश्रा जी वाले यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा बड़ी बात है, प्रेमचंद मिश्रा जी आपकी प्रतिक्रिया सर। प्रेमचंद मिश्रा, नहीं ये तो सर्वविदित है कि सरकार के तरफ से घोर लापरवाही बरती गई है, और जिस तरह से बार बार ये घटनाएं हो रही है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ी लड़कियों के साथ, चाहे उनका फरार हो जाना, उनका गायब हो जाना, उनकी हत्या हो जाना, उनके साथ दुराचार होना, और सुप्रीम कोर्ट के लगातार फटकार के बावजूद अगर सरकार नहीं चेत रही है तो स्थिति अपने आप बता रही है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। सत्ता पक्ष से लोग इसमें कहीं न कहीं जुड़े हैं, उनको डर है जेल जाने का, और उस वजह से इस तरह से हो रहा है। अब पुलिस अगर लाचार है तो पुलिस का मंत्री बिहार में कौन है? नीतीश कुमार जी है, तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। सरकारी संरक्षण गृह से अगर बच्चियां महिलाएं गायब हो रही है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, ये जवाबदेही तो नीतीश जी की। अब सीबीआई जांच इन्होंने लिखवाया, इन्होंने तो सीबीआई जांच का विरोध किया था, आपको याद होगा, जब विपक्ष ने और मीडिया ने सक्रिय भूमिका निभाई तब मजबूरी में इनको नाक बचाने के लिए सीबीआई जांच के लिए लिखना पड़ा, और सीबीआई जांच में सहयोग नहीं कर रहे, अवरोध खड़ा कर रहे हैं।
बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है सरकार की कार्य प्रणाली पर, उसके बावजूद ये घटनाएं फिर भी हो रही है, तो इसमें कहने को क्या बचा है? इसमें संलिप्तता है सरकार की, सरकार से जुड़े लोगों की, सफेद पोश की या अधिकारी की, उनको बचाने के लिए तमाम कोशिश। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे सहयोगी आशुतोष के जरिए जुड़े हुए हैं। आशुतोष, थोड़ा सैटेलाइट में प्रॉब्लम आ गई थी, जरा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से पूछिए उनको क्या आशंका है इस मामले में कि एक एनजीओ जो कि लगातार पुलिस ये कह रही है कि जांच करना जब करने के लिए पुलिस जाती थी, सुरक्षा देने के लिए जाती थी पुलिस, उनको सुरक्षा नहीं देने दिया जाता था, और अब भी जब पुलिस वहां पर पहुंच रही है तो कोई है ही नहीं पूछताछ के लिए, क्या आशंका है यहां अब्दुल बारी सिद्दीकी को इस मामले में? ठीक है, सही बात है। ठीक है सर, पुलिस का यह कहना है कि पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जांच करने नहीं दिया जा रहा है, जब भी पुलिस जांच करने की कोशिश की पुलिस ने उनको रोक दिया गया, तो पुलिस अभी तक पूरा क्लियर नहीं है कुछ तक। नहीं, बात असल है कि सरकार ऐसे गंभीर और संवेदनशील मामले में संवेदनहीनता की प्रखास्ता कर चुकी है, और मतलब लगता है कि लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं रह गई है सरकार को। अब पुलिस क्यों आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, क्या दिक्कत है, ये तो सरकार का काम है, और अगर ऐसी घटना घट गई है तो सरकार को टॉप प्रायोरिटी में इस मामले को रखना चाहिए था, मगर अब ये बहानाबाजी कि पुलिस को नहीं जाने दिया जा रहा, उसको नहीं जाने दिया जा रहा, तो सवाल यही है क्या ग्रिल काट कर सात लड़कियां भाग सकती हैं? स्पष्ट करनी चाहिए, क्या ग्रिल काट कर सात लड़कियां भाग सकती हैं? देखिए सही बात, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सर ग्रिल को काटा गया है और फिर ग्रिल काट कर लड़कियां निकली हैं, तो क्या संभव है ये कि लड़कियों का ही हाथ हो या फिर कुछ और भी? लड़कियां नहीं, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक फटकार मिली है और शिकंजा जो कसा गया है सीबीआई से लेके और सरकार के प्रति, तो इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं, और ये लोग जो है साक्ष को मिटाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, और लड़कियां कहां से काट के चली जाएंगी? जरा समझ में नहीं आता, एक लड़कियां इतनी ताकतवर नहीं है, अगर लड़कियां काटी तो कहां से आ गया कटर मशीन वगैरह? शक है ये एकदम सरासर झूठ और फ्रेब है, और मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो लोग संलिप्त हैं उन लोगों को लगता है कि आज न कल जो है उन पर जो है मैं टूटने वाला है पार। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है? लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनका ही कहना है कि सीबीआई की जांच की अनुशंसा तो नीतीश कुमार ने ही की है, फिर इसमें शक शुबा की क्या बात है? वो गलत बोल रहे हैं। आपको याद होगा जब ये विधानसभा में मामला उठा था, हम लोगों ने कार्य विधानसभा में ठप किया था, और हम लोगों ने पहले डिमांड किया था कि साहब इसकी सीबीआई की जांच कराई जाए, उसके दो रोज के बाद इन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा की। मैं जल्दी से एक रिएक्शन प्रेमचंद मिश्रा से भी लूंगा, हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। प्रेमचंद जी आप लाइन पर हैं, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हाँ पूछिए सर, ये संयोग है क्या, इसको कैसे देखा जाए? आज साकेत में संयोग तो खैर नहीं, साकेत में आज मुजफ्फरपुर कांड की सुनवाई होनी है और दिल्ली में बिहार से पहली बार इस मामले की सुनवाई है, ये माना जाए कि अदालत तक भी बात पहुंचेगी और फिर से एक बार फटकार नहीं, अब तो कोर्ट को इसमें समुचित निर्देश देना चाहिए। अब इसमें छुपा क्या रहा, अब लड़कियां ग्रिल काट के किसे जाएंगी? लड़कियों को गैप किया गया ऐसा लगता है, और बाद में साक्ष मिटाने के लिए ग्रिल काट के दिखाया गया कि लड़कियां खुद से काट के भाग गई, तो सरकारी संरक्षण से अगर भाग गई तो भी सरकार की विफलता है। और मुजफ्फरपुर सेल्टर होम की लड़कियां गैप हो रही हैं, इससे पहले मधुबनी में गैप हो गई, मधुबनी में जो गैप हुई उनका कोई ऐसा पता आज तक नहीं चला है। जी जी, वो पता चला कि जेडीयू के नेता के कोई पीए है वो चलाता है उस सेल्टर होम जो मधुबनी में है। कहीं न कहीं घूम के सारी जो सुई है वो जेडीयू और सत्ता पक्ष जुड़े नेताओं की तरफ जाता है, और मुझे लगता है कि इस मामले में कोर्ट को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट अपना काम अपने तरीके से बिल्कुल करेगी, और फिलहाल अब ये देखना होगा कि जो एनजीओ की तरफ से ये